देखिए, समय के साथ अब खेती भी जो है वो बदल रही है। आजकल रासायनिक खेती छोड़कर किसान ऑर्गेनिक खेती की ओर रुख कर रहे हैं। ऐसी ही तस्वीर गुजरात के गीर सोमनाथ के गांव से आई है, जहां अन्नदाता गोबर से जैविक खाद बनाकर उसका इस्तेमाल ऑर्गेनिक खेती में कर रहे हैं। गोबर से जैविक खाद तैयार करते किसानों की ये तस्वीर गुजरात के गीर सोमनाथ की है, जहां इन किसानों ने रासायनिक खेती को हमेशा के लिए गुड बाय कह दिया है। यहां बड़ी संख्या में किसानों ने जैविक खेती की ओर रुख किया है। तो मेरा प्रोडक्शन होता है, वो मेरा प्रोडक्शन से मैं खुद प्रोसेसिंग करता हूं, पैकेजिंग करता हूं, और फिर मैं प्राइस नकी करता हूं और कस्टमर को डायरेक्टली भेजता हूं मैं। गीर सोमनाथ के गांव में ही ऑर्गेनिक खादों को तैयार किया जाता है और उसका ही इस्तेमाल किसान ऑर्गेनिक खेती में करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में किसानों को मुनाफा भी अच्छा खासा हो रहा है। इससे न सिर्फ फसलों की उत्पादकता बढ़ती है, बल्कि जमीन की उर्वरता भी बनी रहती है। पिछले 3-4 सालों से जैसा कि गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शंस है, ICAR का इंस्ट्रक्शंस है, वो हम उसको प्राकृतिक खेती की तरफ ज्यादा फोकस कर रहे हैं, और अभी तक बहुत सारे लोगों को हम लोगों ने प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग दी है और बहुत सारे लोग आगे बढ़े हैं, प्राकृतिक खेती प्रारंभ किया है और सेल्फ प्रोडक्ट बनाकर उसकी ब्रांडिंग करके बेच रहे हैं और खेती में लागत को कम करके अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। हाल के दिनों में ऑर्गेनिक खेती का चलन काफी बढ़ा है और गुजरात के गीर सोमनाथ जिले के गांव इस पद्धति को अपनाकर कमाई भी कर रहे हैं और प्रकृति को भी सहेज रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।